इको टूरिज्म बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में एक छप्पर के नीचे हम लोगों ने अपना डेरा जमाया, और ये हमारी चाय, उसके बाद क्रिकेट, और एक डॉगी भी शामिल हुआ प्लेयर की तरह से। ये हमारी शाम की चाय, खेतों से हमने खुद ही सब्जियां तोड़ी, रात होने पर लाइट, और उसी छप्पर के नीचे वर्क फ्रॉम होम करते हुए मेरा बेटा, रात में अलाव का मज़ा, विदेशी सैलानी भी साथ। और ये हमारी दिन की शुरुआत हुई थी फलों से। सबसे पहले हम लोगों ने कस्टर्ड एप्पल, शरीफा या इसको वहाँ सीताफल भी कहते हैं, उदयपुर से लिए थे बहुत सारे, और ये मेरा पसंदीदा फल है, इसका भरपूर मज़ा लिया। यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सी बुक्स हैं, खासकर इंडिया के नाम से कई बुक्स हैं, और इसमें घूमने फिरने की, पर्यटन की बहुत जानकारियाँ होती हैं। हालांकि अब सभी लोग इन चीज़ों के लिए गूगल को ही सर्च कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा ग्राउंड, और वहीं पर ये डाइनिंग स्पेस जहाँ हमारा लंच और डिनर हुआ, एक धूप में बिस्तर भी लगा हुआ है, प्यारी सी बिल्ली, ये आंवला आया था आंवले का अचार बनाने के लिए, और ऐसे कर करके छोटी छोटी गतिविधियों में हम लोग जुड़े रहे, और पूरे दिन हमने वहाँ एक ग्रामीण परिवेश में पूरा मज़ा लिया। वहाँ पर मुझे बर्ड्स बहुत मिली देखने को, यह है मोर जिसकी वीडियोग्राफी की जा रही है, कई मोर थे वहाँ पर, ये कुछ बर्ड्स हैं, ऐसे ही हम लोगों के आसपास आके बैठ जाती थी। और पीछे जो बैकड्रॉप में अभी पहाड़ भी दिखता है यहीं से, बर्ड्स काफ़ी बड़ी संख्या में थी और काफ़ी मोर घूम रहे थे वहाँ। सब्जियों का बहुत आराम, और बहुत दिनों बाद यहाँ पर बैडमिंटन पर भी हमने हाथ रवा किया। आज हम लोग हैं पुष्कर में, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि अकेला मंदिर है पूरे विश्व में। और आज हमने रुकने का फैसला किया है एक ग्रामीण परिवेश वाली अकोमोडेशन में। ये लग्जरी फार्म हाउस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, और एक फील आता है बिल्कुल जैसे हम गांव में किसी घर में रुक रहे हों। और मज़ेदार बात यह है कि इनके यहाँ बेकरी भी है। और कई तरह के खाने वाने का भी इंतजाम है, अपनी पसंद से आप डिशेज चुन सकते हैं। जो लोग इसको रन करते हैं ये उनका घर है। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लॉन मिलता है, बैडमिंटन के लिए भी बना हुआ है, और ये हट है, रियल हट, जैसे झोपड़ी होती है, कच्चे घर होते हैं, उससे कुछ बेटर और लग्जरी से बिल्कुल दूर। एक दो तीन चार पाँच, पाँच कमरे हैं। अब जैसे इस कमरे को हम दिखाते हैं, जैसे हमारे गांव में छतें हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरह का। और इधर एक बिस्तर लगाया हुआ है, वो भी चबूतरे पर बनाकर, कोई बेड नहीं है। और इधर वॉशरूम, जैसे कि हमारे गांव के उसमें फॉर्म हाउस पे हुआ करता था, लगभग उससे मेल खाता हुआ। कॉरिडोर बैठने के लिए, और ये आउटर एरिया, बैकड्रॉप में हिल्स हैं, अरावली हिल्स। और ये हिल जो है ये अजमेर और पुष्कर को डिवाइड करती है। यहीं पर एक फैमिली और रुकी हुई है, फॉरेनर हैं, अभी मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग लगभग एक महीने के लिए यहाँ हैं ऐसे ही घर में।
लग्जरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी बहुत असुविधाएं भी दिखेंगी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, इतनी ओपननेस। और मैं फिर कहूँगा लग्जरी नहीं है, कंफर्ट। अगर आप एक स्टार होटल जैसा ढूंढेंगे नहीं है, लेकिन फ्रीनेस बहुत ही बढ़िया। ये एक आउट हाउस ओपन एरिया बैठने के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम का मज़ा, हेलो, इधर खेती हो रही है, ताजी सब्जियां हम लोगों को मिलती हैं। एक हॉर्स भी है, और ये किचन, ताजा खाना, हर चीज, साउथ इंडियन डिशेज भी मिल जाती हैं। बहुत ही बढ़िया। ये है अनुराग, और वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिल रहा है इन्हें। हाँ भाई, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लग रहा है यहाँ काम करते हुए? यहाँ तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी पास में हिल्स भी दिख रहे हैं, तो हाँ। सूदिंग है काफी, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, आराम से खुले में बैठ के काम कर रहे हैं छप्पर के नीचे। हाँ। और लंच में क्या लिया? लंच में डोसा सांभर इडली। अच्छा, साउथ इंडियन डिश अवेलेबल है। गुड वन, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रिलैक्सिंग है, और इतनी विंटर में बहुत दिन बाद हाफ शर्ट और हाफ पैंट में, रियली सूदिंग। और ये बढ़िया एक वर्क प्लेस है आराम करने के लिए, चाय पीने के लिए। डाइनिंग एरिया, और मजे से रिलैक्स होने के लिए। हमारी बॉल डॉगी ने ले ली, अब बड़ी मुश्किल से इसने निकाल के दी। हम लोगों ने खेलना शुरू किया, इसने फिर से बॉल पकड़ ली और अब देने से मना कर रहा है। ये खूब परेशान कर रहा है हम लोगों को, बहुत परेशान कर रहा है। देखो, पूरे नाटक कर रहा है कि बॉल नहीं देनी है। फिर रख ली।